नमस्कार मैं अनुराधा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं आदाब हैदराबाद के कार्यक्रम में जिसे आप बेहद पसंद करते हैं आज हमारा विश्व एक महामारी से ग्रसित है इस महामारी को लगभग एक वर्ष पूर्ण हो चुका है ये महामारी वुहान में चीन से शुरू हुई थी और ये धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में फैल गई आज हम इससे त्रस्त हैं ग्रस्त हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में सी संस्थान काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है इसीलिए आज हमारे साथ परिचर्चा में वहाँ के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस पर प्रकाश डालेंगे मैं इन पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करना चाहती हूँ पाते हैं सम्मान कर्म से जग गलत कहे या ठीक वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में सर आज जब हमारा विश्व इस महामारी से त्रस्त है ग्रस्त है जिसे हम कोरोना या कोविड नाइन्टीन का हमने नाम दिया है तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ये बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति है जिसमें हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं इस चीज़ का इतने स्तर पे इतनी तेजी से कोई बीमारी फैलेगी Uh, हालांकि कोविड uh, 19 अपने आप में इतनी घातक बीमारी नहीं है uh, बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं वो उनको पता भी नहीं चलता कि बीमारी हुई या नहीं हुई उनको और uh, बहुत सारे जो बीमार पड़ते भी हैं 90 परसेंट जो जा ज़्यादा रिकवरी रेट है ए, हिंदुस्तान में तो uh, वैसी बात नहीं लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत तेज़ी से फैलती है जी। और उसकी वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ बहुत सारे और सारे काम रोकने पड़ जाते हैं उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हम सब लोग जो लॉकडाउन होता है रिस्ट्रिक्शन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हम ट्रेवल नहीं कर सकते अपना काम नहीं कर सकते लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और हमारे जो सांस्कृतिक लाइफ है वो करीब करीब रुक सी गई है ना कोई कंसर्ट हो सकता है शादी ब्याह हर चीज़ में तो एक बहुत अजीब तरह की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक परिस्थिति हमारे सामने आ गई इसके अलावा ये हेल्थ केयर और मेडिकल प्रॉब्लम तो है ही और उसके साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चैलेंज है हमारे सामने इस तरह से अब चैलेंज है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है जी, आ, हर तरह से सरकार के लिए वैज्ञानिकों के लिए और जनता के लिए इसमें जनता का भी योगदान बहुत ज़्यादा है खास करके इन लोगों का एज ए कॉमन मैन और आम जनता हम लोगों का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है इस बीमारी से लड़ने में जी सर जब हम बात करते हैं सी सी एम बी की चूँकि ये रिसर्च संस्थान है यहाँ पर रिसर्च होता है तो हम ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सी सी एम बी में किस तरह का काम होता है और क्या होता है तो सी सी एम बी इसको लोग बोलते हैं ये सी एस आई आर की एक लैब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मालिकुलर बायोलॉजी जी और हमारा uh, ध्येय है आ, बेसिक बायोलॉजी जो मूलभूत बायोलॉजी के सिद्धांत उनको समझना और जो आ, समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना और कोई ऐसी तकनीक जो आती है जो कि उपयोगी है तो उसको समाज को देना ए, इस ये हमारा मेन काम है आ, लैब में और इसके अलावा हम ट्रेनिंग भी देते हैं मॉडर्न बायोलॉजी के एकदम ते, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है उसको और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो चीज़ें आसानी से और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते और धीरे धीरे हम उसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं जब वो चीज़ें आम हो जाती हैं तो जहाँ तक काम का सवाल है सी सी एम बी में पाँच छः तरह की एक्टिविटी हम बोल सकते हैं होती है हमारी एक एक्टिविटी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो वन्य जीवन है उसको समझें उसकी बारीकियों को समझें उसकी विविधताओं को समझें और फिर उसको कैसे बचाया जा सकता है कैसे उनको आ, आ, कम होने से या लुप्त होने से बचाया जा सकता है उसके बारे में वैज्ञानिक तरीका ऐसा निकालें जिससे कि उसका उपयोग करके हम आ, ये काम कर सकें तो और इसमें सी सी एम बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी आ, एक साल से थोड़ा पहले आ, हमने माउस uh, डियर एक स्पीशीज होती है छोटी सी मैमल्स uh, होते हैं ये वो करीब करीब लुप्त हो गई थी इस uh, दुनिया से अच्छा और वो तेलंगाना में के जंगलों में रहते थे जी। सिर्फ पाँच छः बचे थे uh, उनको हमने नेहरू जुलॉजिकल पार्क जी। और uh, यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनकी रिप्रोडक्टिव uh, बायोलॉजी को समझा हुँ. उसके बाद उनको कैसे ब्रीडिंग uh, प्रोग्राम उनका बनाया उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझा कि uh, कौन से पेड़ के साथ ब्रीडिंग करेंगे उसके बाद हमने धीरे धीरे करके कई सौ एनिमल्स निकाले uh, 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 ये नेहरू जोलॉजिकल पार्क में अच्छा। और मंत्री जी आए थे uh, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उन्होंने इन एनिमल्स को उनके घर में मतलब उनके जंगल में रिलीज किया इससे अच्छी खुशी की बात एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम कर रहे लोगों को नहीं हो सकती कि जो चीज खत्म होने वाली थी हमने उसको आ, आ, रिवाइव बचा कर। के उनके घर में डाल दिया जू में तो आप ब्रीड करके रखोगे लोग देखेंगे लेकिन वो अपने घर चले गए और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है अभी उसका प्रोपोगेशन और नए नए रिलीज सेंटर्स बने हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा इसके मामले में सर तो, इसका तो मैं आपको इस कार्य के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और नहीं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग सर जब बात यहाँ पर आई है सी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर मुझे लगता है कि इंटरेस्ट होना चाहिए तो आप आ, मैं आपके पर्सनल सवाल पर आती हूँ कि किस तरह से आपने अपना ये आ, जो मुकाम है उसको हासिल किया और कब आपको लगा कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है देखिए हर व्यक्ति हो जो है वो वैज्ञानिक होता है शुरू में वैज्ञानिक का काम है सवाल पूछना ये ऐसा क्यों है आ, हम सब बच्चे सवाल पूछते हैं कभी कभी हम पेरेंट्स लोग उसको चुप करा देते हैं चुप रहो आगे के पढ़ो तो हम लोग जन्मजात वैज्ञानिक हैं सारे जी। तो मेरे साथ एडवांटेज ये था कि हमको बड़ी आज़ादी थी घर में हमारे पिताजी बाहर काम करते थे हम लोग गाँव में रहते छोटे से गाँव में अपनी माँ के साथ तो वहाँ पर हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता कि तुमको क्या करना है। हमारी माँ तो ये कहती है कि तुमको जो अच्छा लगता है वो करो वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एक आम का जो बीज है उससे आम का ही पेड़ निकलता है महुआ का बीज उससे महुआ का पेड़ निकलता है हम अपने गांव में देखते हैं नीम से नीम का निकलता है गेहूं अगर डालो तो गेहूं का पेड़ निकले इसका मतलब कि वो जो छोटे से बीज के अंदर ये सारी जानकारी भरी हुई है जिससे कि उतना बड़ा पेड़ बनेगा और और, और उस पर कौन, से पर से पर उस कौन, से फल आएंगे उसमें कौन से फल आएंगे तो ये चीज ये ये जो सवाल था या चींटिया कैसे खाने के पास पहुँच जाती उनके पास ना तो कोई सूचना का माध्यम है हमारा हमको लगता है और फिर अपना खाना खा के वापस चले जाती है तो ये सवाल मुझे लगा कि जो जीव विज्ञान है कैसे प्रकृति का काम होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक चीज मैं आप बता दूँ कि वो सारे सवाल अभी भी हैं <laughs> किसी का हल नहीं निकला हमको ये पता चला कि तरीका है इनको हल करने का अच्छा। और कुछ चीज़ों में खुशी होती है कि हम उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं हाँ। लेकिन मेरा मोटिवेशन यही था कि हमारी जो जो स्वाभाविक सवाल पूछने की जो स्वभाव होता है उसको हमारे घर में किसी ने मना नहीं किया इसलिए हम उसी आधार पर आगे चलते गए अच्छा तो सर उसी आधार पर फिर आपने अपने करियर का चुनाव किया और आपके घर में कोई रोक टोक नहीं थी जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए बच्चों के साथ वक्त है छोटे से विराम का विराम के बाद पुनः आपसे मिलते हैं आदाब हैदराबाद में सर सी पर मैं वापस आती हूँ कि सी uh, uh, शैक्षणिक संस्थान है और uh, साथ ही साथ वहाँ पर रिसर्च भी होता है तो ऐसी स्थिति में जब एक महामारी पूरे विश्व में uh, व्याप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सी सी एम बी जैसी संस्थाओं का क्या योगदान होना चाहिए और क्या योगदान रहा है एक ही इस बीमारी में चूंकि एक वायरस का इन्वॉल्वमेंट था जी. और उसके लिए एक खास फैसिलिटी चाहिए जिसको बाय सेफ्टी लेवल थ्री बोलते हैं आ, वो चाहिए क्योंकि वहीं पे आप वायरस को हैंडल कर सकते हैं तो सी सी एम बी में कई सारे टेक्नोलॉजी हैं वो जो कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है और उसमें बी एस एल भी है हमारे पास अच्छा। और हमारे पास ग्रुप है साइंटिस्ट का जो कि इस तरह के वायरस पे काम कर रहे थे पहले डेंगू पे या और तरह अच्छा। के जो वायरस हैं जपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस इस तरह से हम कुछ वायरस पे काम कर रहे थे जब ये कोरोना की खबर आई तो सरकार ने भी खास करके तेलंगाना गवर्नमेंट ने हमको कांटेक्ट किया वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट में कि सभी घबराए हुए थे कि क्या करें इतना डर फैला हुआ था आज तो हम समझ गए काफी चीज इसके बारे में लेकिन हमारे लिए एक वैज्ञानिक के लिए ये भी एक वायरस है हम इतने वायरस पर काम करते हैं ये भी एक वायरस हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी जैसे आई कि अब चलो इसको हम लैब में टेस्ट करेंगे इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं तो हमने कुछ चीज़ें किया एक तो ये कि हमने एक ट्रेनिंग लैब स्टैब्लिश किया जिसमें हम यहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स और जितने भी उस समय पाँच छः सेंटर्स थे जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग के लिए आई ने आदेश दिए थे उन सब के हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने ट्रेन किया कि कैसे वायरस को हैंडल कर सकते हैं कैसे सुरक्षित तरीके से वायरस को हैंडल कर हैं डायग्नोस्टिक के लिए फिर उसके बाद हमने अपनी लैब को थोड़ा सा चेंज करके एक टेस्टिंग लैब बनाया कि हम खुद टेस्टिंग करेंगे और करके इस्टेब्लिश करेंगे उसमें मदद करेंगे क्योंकि उस समय टेस्टिंग सेंटर बहुत कम थे आ, लोगों को पता नहीं था कैसे डील करना है तो बहुत स्ट्रेस रहता था और तो वो हमने वो किया जो अभी तक हम लगातार टेस्टिंग करते जा रहे हैं कि पचासों हज़ार सैंपल्स हमने टेस्ट किए हैं और बहुत सारे पॉजिटिव निकले हैं आ, और फिर दूसरी चीज़ हमने किया जो हमारी ट्रेनिंग की जो कैपेसिटी हमने बनाई उसको हमने उसका वीडियो बना के और और सारे हैदराबाद के आसपास पास के जो लोग भी चाहते थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लोग या आई आई सी टी सी डी एफ डी सी डी एफ डी के साथ जो कि यहाँ पे एक लैब है हमारे पड़ोस में सेंटर फॉर डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स उनके साथ हमने मिल के वहाँ पर भी टेस्टिंग का सेटअप किया और उनके जिन लोगों को चाहिए था उन्होंने आके ट्रेनिंग आ, किया हमारे साथ तो हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्टार्ट की ये पहली बात थी दूसरी चीज़ जब ये चीज़ सेट हो गए तो फिर हमने एक डिसीज़न लिया कि हम इस वायरस को लैब में ग्रो करेंगे अच्छा। और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमने वायरस कल्चर इस्टेब्लिश किया एक खास सेल लाइन होती है अफ्रीकन ग्रीन मंकी की जिसमें ये वायरस वो सेल लाइन हमारे पास थी <coughs> हमारे पास सेल कल्चर की बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है सी में जहाँ पर हम टिशू कल्चर सेल कल्चर के काम करते हैं तो हमने आ, वो, वो आ, अपनी टीम बना के और वहाँ पे आ, सेल को सेल के अंदर वायरस को ग्रो करना शुरू किया सो पेशेंट से सैंपल आया उसमें से हमने वायरस निकाल के सेल के अंदर सेल डाला, डाला और फिर वो ग्रो करने लगा सेल के अंदर तो हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृष्णन वो वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसमें लीड लिया और आ, तो हमने लैब में वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करना आ, स्टार्ट कर दिया तो अगर आपके पास जो वायरस हो गए तो आपके पास एक तरह से एक तरह से संपत्ति है आपकी अब आप <laughs> उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी, जी। तो हम लोगों ने कई तरह से उसको इस्तेमाल किया एक चीज़ हाँ। तो यह है कि उसको इनएक्टिवेट करके उसको घोड़े के अंदर इंजेक्ट करके और उससे एंटीबॉडी निकाल कर तो उस ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाँ। तो ये हमने हैदराबाद में एक कंपनी है विंस बायोलॉजिकल्स उनके साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया और वो एंटीबॉडी आज काफ़ी आगे तक पहुंच गई है और वो थेरापूटिक एंटीबॉडी मेरे ख्याल से अगले महीने ट्रायल में जाएगी अच्छा। और जो हमने लैब में उसके टेस्ट किए उससे ये लगता है कि ये कोविड के लिए एक ट्रीटमेंट के रूप में आएगा जैसे सांप के काटने पे आप एंटीडोट लगाते जी, हैं जी। या कुत्तों के काटने पे उस तरह से ये जो है वो करोना में जो बीमार लोग हैं उनको आ, उनके लिए मददगार होगी क्योंकि हमने लैब में टेस्ट किया जब हम कल्चर में वायरस ग्रो कर रहा है अगर हम इसको डालते हैं तो ये वायरस को ख़त्म कर देती है तो इसका मतलब हुआ कि ये इफेक्टिव होगी तो हमने सेल कल्चर करके फिर और सारे वैक्सीन कंपनीज के साथ इंटरेक्ट किया और ये सब करने के साथ साथ हमने एक और बहुत जरूरी हमको लगा कि जो टेस्ट हो रहा है वो बहुत कम्बरसम है उसमें बड़ा टाइम लग रहा है तो हम लोगों ने कई सुधार उसमें लाए कुछ इम्प्लीमेंट हुए उसी समय कुछ अभी इम्प्लीमेंट होंगे धीरे धीरे क्योंकि रिसर्च में रिजल्ट को अप्लीकेशन तक लाने में थोड़ा वक्त लगता है रेगुलेटरी प्रोसेस से जाना पड़ता है जी। तो हम लोगों ने ए, एक काम किया जैसे कि आप पांच सैंपल को एक साथ मिला के टेस्ट कर सकते हो तो मतलब आपकी स्पीड पांच गुना बढ़ गई बिल्कुल अभी हमने नया सिस्टम निकाला जिसमें आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए वी जो वायरल ट्रांसफर मीडियम उसकी जरूरत नहीं है आप सीधा ड्राई स्वैब लीजिए और उसमें एक लिक्विड बहुत ही कॉमन लिक्विड जो लैब में होता है इसको हम बफ़र बोलते हैं वो डाल के आप सीधे टेस्ट कर सकते हो इसका मतलब कि लिक्विड सल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको आधे खर्चे में आधे टाइम में आप तीन गुना चार गुना ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं तो ये जो नया मेथड है टेस्ट करने का ड्राई सब मेथड हम बोलते हैं इसको ये काफ़ी आगे तक जा चुका है और मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में इसको इस्तेमाल में लाना शुरू हो जाएगा आई से और इंस्टीट्यूशन से हम हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर भी उनको ये तकनीक दे रहे हैं जिससे कि वो आगे लेके जाए क्योंकि हम तो सर्विस लैब नहीं है हमने खोज किया उसके बाद उनको पकड़ा दिया वो लेके आगे, ले कर, काम करेंगे उस पर एक दो चीज़ और आपको बताऊंगा संक्षिप्त में ही कि हमने जो जब हमको समझ आ गई ये वायरस को कैसे ग्रो कर सकते हैं हम किस हद तक जा सकते हैं इसके पीछे तो हम लोगों ने दो और काम किए एक तो ये कि हमने सीवेज सिस्टम में सर्वे करके देखा कि वायरस वहाँ से मिलता है कि नहीं और इसके बाद हमको हमने वो टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या जो नाला है उनसे हम पानी ले करके और उसमें हम पता कर सकते हैं कि वायरस है कि नहीं है और वायरस का आरएनए है कि नहीं है और है तो कितना है इसका और ये किस तरह से ट्रांसलेट होता है कि इस सिटी में अगर हमको सीवेज में इतना मिला तो सिटी में कितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड है। हमने ये कैलकुलेशन ये सिस्टम निकाला और ये इस्टेब्लिश काफ़ी अच्छी तरह से हमने कर लिया है आज आ, हिंदुस्तान के करीब नौ दस शहरों से लगातार सैंपल हमारे पास आ रहे हैं हमारी नागपुर में एक लैब है नीरी वो हमको इस सैंपल कलेक्ट करने में मदद करते हैं और यहाँ पर जो सीवेज सैंपल्स को प्रोसेस करने में हमें हमारी सिस्टर लेबोरेटरी आईआईसीटी के वैज्ञानिक थे उनके पास एक्सपर्टीज़ थी तो हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन आज हम देश को एक सीवेज सर्विलेंस सिस्टम देने की स्थिति में आ गए हैं जिससे कि शहरों के सीवेज से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह के पैरासाइट वहाँ पर हैं कितने हैं कोई महामारी आने वाली है या कंट्रोल में है उस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो ये तो, तो बहुत ये, बड़ी बात आ, ये ये कि जो है, अगर पहले ही हमें ये पता चल जाए आ, कि किस तरह आ, की बीमारियां आने वाली हैं तो उसके बचाव में हम कार्य कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें किसको आपको घर घर जाके एक एक आदमी को आ, इंजेक्ट करना या सैंपल लेने की जरूरत नहीं है आप वह तालाब के पास वो जो टैंक है उसमें जाके सैंपल लेके बता सकते हैं कि एक लाख लोगों को इन्फेक्शन होगा या पचास हजार का होगा या दस हजार का होगा तो हम मॉनिटर कर रहे हैं जैसे मैंने बताया दस शहरों में वहाँ हम ग्राफ देख रहे हैं कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है वो रिजल्ट हम जल्दी ही पब्लिक करेंगे एक आध हफ़्ते में अभी एनालिसिस उसका तो कंप्लीट हो रहा है जी। और दूसरी चीज़ हमने एक और जो शुरू किया है अभी वो थोड़ा शुरुआती दौर में है और शायद दो तीन हफ्ते में हम उसके बारे में भी ठोस जानकारी देंगे और वो है कि ये वायरस हवा में कितनी देर तक रहता है कहाँ तक ये जा सकता है और हमको क्या एहतियात लेने की ज़रूरत है अगर हमको एक गैदरिंग हो रही लोगों की और वहाँ पे वायरस से बचना जी, है जी. तो इसको हम बोलते हैं एयर सर्विलेंस सो so, हम एयर सैम्पलिंग कर रहे हैं हमने वो टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किया हम हॉस्पिटल्स में आई में आ, पेशेंट वार्ड में और जो इन्फेक्टेड फैमिली है उसके घर में उनके टॉयलेट में उनके लिविंग रूम में उनके बेडरूम में सब करके हम ये पता कर रहे हैं कि कितनी देर तक हवा में वायरस रहेगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी को इन्फेक्शन है बाद में आया बात करके या खांस के या स्नीज करके चला गया जी। कितनी देर तक हमको वहाँ पे डरने की ज़रूरत है दो कितनी देर के बाद डरने की जरूरत नहीं वो वायरस सेटल हो गया उससे कोई डरने की बात नहीं है तो ये भी एक जो चीज़ है वो हम बहुत जल्दी ही देंगे तो उससे ये पता चलेगा कि मेट्रो में हमको क्या सावधानी लेना है शॉपिंग मॉल में क्या करना है सिनेमा हॉल में क्या करना है लेक्चर हॉल्स में स्कूल में किस तरह की सावधानी बरतें हम इसके बारे में भी हम आ, बता सकते हैं कुछ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं खास करके उन्होंने इतना ज़्यादा प्रयास किया जितना काम के बारे में मैंने आपको बताया ज़्यादातर काम इसमें नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने किया और स्टूडेंट्स नहीं उनका इनिशिएटिव था मेरा आइडिया नहीं उन्होंने सोचा ऐसा क्यों नहीं कर सकते इसको देखें क्या क्या होता है हाँ। तो स्टूडेंट के अंदर तो क्यूरियासिटी होती है हमारे स्टूडेंट बहुत खास होते हैं हम उनके सिलेक्शन में इतना मेहनत करते हैं कि हम जो बेस्ट है उसको चूज करते हैं जी। और तो उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम कर पाए पिछले कुछ चार छः महीने की हम बता रहे हैं इतना इतनी ज़्यादा जानकारी इतनी ज़्यादा टेक्निक इतनी ज़्यादा मदद लोगों के लिए हम लोग कर पाए और अभी पूरे इंटेंसिटी के साथ ये सब चीज़ें चल रही जी सर आपने बताया कि हवा में और पानी में हालांकि मेरा अगला प्रश्न आपसे वही था हाँ। तो क्या ये संभव है कि वो पानी में भी जीवित रहते हैं कुछ उसका ड्यूरेशन पता लग पाया है अभी तक कि कितने समय तक वो हवा में या पानी में जैसा पहले कहा जा रहा था कि अगर कहीं कोई हाथ लगा देता है तो उसको मतलब हफ्ते भर स्टील पर या मेटल पर वो सरवाइव कर सकता है वायरस तो क्या कुछ रिजल्ट आया है अभी तक जो पानी में जैसे सीवेज सिस्टम के अंदर हम वायरस डिटेक्ट करते हैं हम वायरस एक्चुअली नहीं हम वायरस का आर डिटेक्ट करते हैं जी। तो वो वायरस जिंदा नहीं रहता <coughs> वायरस ऐसे भी पार्टिकल है वो हाँ, जिंदा नहीं है लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं है ऐसा लोगों ने देखा हुआ है और हमको भी उसमें कोई इन्फेक्टिविटी नहीं मिली तो पानी सड़क में जो जा रहा है नाले में जा रहा है उसके अंदर वायरस के रेमिनिसेंस हैं लेकिन उससे इन्फेक्शन नहीं होगा वो तो ए, ए, एकदम सेटल्ड है कि पानी से ये नहीं फैलता है जी। अगर पानी में गया भी तो डाइल्यूट हो जाएगा वो डिसिनटिग्रेट हो जाएगा वो इन्फेक्शन नहीं रह जाता है अच्छा। और जहाँ तक हवा की बात है जैसे मैंने कहा अभी बहुत सारी चीज़ें समझना बाकी लेकिन इतना जरूरी जरूर है कि इसका जो इन्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन होता है और इसीलिए अगर आदमी ने मास्क पहन रखा है तो वो काफ़ी सेफ है मतलब आ, आ, अगर सभी लोग मास्क पहने तो एक्चुअली बीमारी फैलेगी ही नहीं वो तो आप अच्छा ये समझिए इतना आ, हम इसको इतनी हद तक रोक सकते हैं तो हम मेरे हिसाब से तो आज किसकी वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है और वो है मास्क आप हाँ। उसको पहनो और आप सुरक्षित वायरस रहोग पहन के सर हम लोग गैदरिंग वगैरह वो सब कर सकते हैं या जा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में नहीं आप मास्क पहन के पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है अगर आप आदमी से दो फिट की दूरी पे खड़े होकर काफी देर तक बात कर रहे हैं तो मास्क आपको प्रोटेक्ट करेगा लेकिन इसका मतलब मास्क के ऊपर या या वायरस के डिपोजिशन होंगे अगर आप उसको टच करके फिर बाद में कुछ करते हैं हाँ। या मास्क को बार बार एडजस्ट करते हैं तो उससे हो सकता है इसलिए मास्क जो है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी करो आ, उसे आप बचेंगे जी। लेकिन जो इसीलिए कहते हैं तीन चीजें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो भी चीज़ आप छुएं उसको हाथ को साबुन से धोलें उसके बाद फिर पूरी तरह से आप सुरक्षित रहेंगे आप हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर ही रहे हो मरीजों को देख रहे हैं इसीलिए आप देखिए रिजल्ट भी अभी बहुत अच्छे हो गए जितने जी इटली में या अमेरिका में जितने लोग मरे स्पेन में हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम हुआ तो वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा डेथ नहीं हुई पेशेंट को इनकी रिकवरी रेट अच्छी है उसकी कई चीज़ें हैं एक तो ये कि हमको बीमारी की समझ थोड़ा आ गई कि इसको कैसे डील करना है कैसे दूसरी चीज शायद हमको प्रायर इम्यूनोलॉजिकल एक्सपीरियंस था हमारी पॉपुलेशन को या हमारा जीनोमिक स्ट्रक्चर जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे लोग ज़्यादा एसिम्टोमेटिक हैं हिंदुस्तान की पॉपुलेशन यंग भी है तो एवरेज एज चालीस से कम भी है तो इसका मतलब ज़्यादातर तो लोग यंग हैं तो उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है तो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं तो इन सब वजह से आ, हमने बहुत ही मतलब जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार अगर आप देखिए तो जहाँ तक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हैंडल किया है जी जी अब लॉकडाउन से फैक्ट्री कम हो इकानमी नीचे जाए तो वो सब चीज़ें तो आ, उसके और तरीके हैं दूसरे तो, एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में सोचने के लिए जी. वक्त है छोटे से विराम का विराम के बाद पुनः आपसे मिलते हैं आदाब हैदराबाद में सर जब वायरस की बात हो रही है तो सार्स वायरस आया था तो क्या ये उसी का रूप है या ये बिल्कुल अलग है ये सारे वायरस सारे जो आर एन वायरस उनके कुछ कॉमनैलिटी होती है लेकिन इसकी ओरिजिन पूरी अलग से है और इसका उससे रिलेशन नहीं इस तरह से तो और इसकी ओरिजिन के बारे में एकदम से इस्टेबलिश तो नहीं है लेकिन वैज्ञानिक लोग सहमत हैं कि ये जो चमगादड़ होते हैं उनसे आया हुआ है क्योंकि चमगादड़ में जो वायरस हैं और ये जो वायरस है इसको हमने जब कंपेयर करते हैं तो 94, 95 परसेंट के आसपास सिमिलरिटी इसका मतलब कि वो क्लोज रिलेटिव वहीं से निकला होगा आ, लेकिन चमगादड़ से सीधा नहीं आया चमगाडर से किसी और एनिमल में आया और वहाँ से फिर ह्यूमन कांटेक्ट में आया वुहान में क्योंकि आपने ये बात शुरू किया तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारी ये बीमारियाँ जो हैं वो आ रही हैं क्योंकि हम एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और हमारी जो लिमिट है हम वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम उनको जो चीज़ हम नहीं ग्रो कर रहे हैं उसको भी ला अपने खाने में इस्तेमाल करना या जंगलों को काटते काटते एकदम अंदर तक चले जाना तो जो जानवरों की या उनकी जो बीमारियां बीमारियाँ जिससे वो एडजस्ट हो चुके हैं जिसके सामंजस्य में वो रह रहे हैं हम अचानक वहाँ पे इंक्रूड हो जाते हैं बिना बुलाए वाले मेहमान और तो वो फिर हमको वो वायरस आएगा अगर हमको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं तो इस तरह से इसको बोलते हैं जूनोटिक इन्फेक्शन जो होते हैं वो आ, हम आपको आ, हम अपने आप को एक्सपोज करें उन चीज़ों से हमको वाइल्ड लाइफ को थोड़ा पीसफुल छोड़ना चाहिए उनका भी वो जगह है हमारी ये जगह हैं उनको ज़्यादा एक्सप्लॉट नहीं करना चाहिए उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए नहीं तो वो चीज़ें स्पिल होकर हमारे ऊपर आएँगी तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है तो इसका एक तरीका ये होता है कि आप कंटिन्यूसली सर्विलेंस रखें कि, कि किस तरह के फेरासाइड कहाँ पर फैल रहे हैं ये मैं बताना भूल गया कि सी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग का बहुत ही अवल दर्जे का सेटअप है जिसमें हम बहुत हाई लेवल की जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम एनालिसिस करते हैं कॉम्प्लेक्स जीनोम की तो हमने वायरस के जीनोम को भी सीक्वेंस किया है जी। बहुत सारे सैकड़ों आइसोलेट्स लोगों से लेके सीक्वेंस करके हमको ये पता चल रहा है कि ये किस तरह से इवाल्व हो रहा है किस तरह से चेंज हो रहा है इसमें कहाँ पर डरने की जरूरत है कहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कहाँ से निकला है कहाँ से फैल रहा है तो इससे पता चलता है क्योंकि है तो सारे कोविड नाइन्टीन लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये वाला कोविड नाइन्टीन यहाँ से आया हाँ। या ये वाला कोविड नाइन्टीन वहाँ से आया जो हमारे पास पेशेंट है या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका किस पर्सन से रिलेशन है इन्फेक्शन के मामले में तो उसे हमको पता चलता है कि इसके फैलने का रास्ता क्या है कहाँ से आ रहा है सी सी की बात मैं करती हूँ वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है तो वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है सी सी एम बी में uh, uh, कई तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं सबसे हमारा हम अपने पी एच डी प्रोग्राम को भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम समझते हैं जहाँ पे कि एम एस सी uh, या बी uh, टेक या एम बी बी एस करके लोग आते हैं पी एच डी में अपना एडमिशन ले कर और पी एच डी करते हैं वो पाँच साल के आसपास उनका पी एच डी का प्रोग्राम रहता है उसमें हम उनको ट्रेन करते हैं uh, सभी जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और उसके बाद वो एक, एक चैलेंजिंग रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और अपनी थीसिस लिख के और उसको आ, करते पेपर लिख के और उसके बाद वो चले जाते हैं आ, अपने कैरियर में आगे दूसरी जो ट्रेनिंग है वो आ, जैसे कोई आ, बच्चा बीएससी कर रहा है एमएससी कर रहा है कहीं पे उसको छः महीने का कभी कभी एक साल का डिजल्टेसन प्रोग्राम होता है तो आते हैं सी में छः महीने रहेंगे वो किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो अपना छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको उनको समझ आती है कि आ, आ, किस तरह की रिसर्च हो रही है और वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो इस तरह से एक एक किसी आ, गिवन टाइम हमारे यहाँ करीब डेढ़ सौ पी स्टूडेंट होते हैं रिजर्टेशन स्टूडेंट साल में करीब सौ के आसपास हम ट्रेन करते हैं अच्छा। और एक और ट्रेनिंग हम बोलते हैं जिसको कि समर ट्रेनिंग बोलते हैं वो दो महीने की होती है वहाँ पे भी एमएससी फर्स्ट ईयर या बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट आते हैं वो दो महीने के लिए गर्मियों की जब उनकी छुट्टी होती है तो यहाँ पे आते हैं तो उसमें भी हम कुछ साठ सत्तर अस्सी ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं पूरे हिंदुस्तान से हम चूज़ करते हैं जो खास करके छोटे शहरों से या छोटी यूनिवर्सिटीज से क्योंकि उनके पास वो सुविधा वो एक्सपोजर नहीं रहता है टैलेंट तो हर जगह है जी। तो हम इस तरह से समर ट्रेनिंग का हमारा बहुत स्टैब्लिश प्रोग्राम है और इसके अलावा किसी को खास ट्रेनिंग चाहिए वो रिसर्च कर रहा है कहीं पे या कहीं काम कर रहा है या कहीं पे टीचिंग में है तो हम उनको भी रिक्वेस्ट के आधार पे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग देते हैं अच्छा। और लास्ट में एक हमारा बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हम अच्छा। बच्चों का मतलब हुआ कि एट स्टैंडर्ड से ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक अच्छा उस टाइम में स्कूल के बच्चों, भी आप आप के बच्चों के को की वो एक महीने हमारे यहाँ एक महीने आके रोज आना पूरे दिन काम करेंगे अच्छा। तो आ, उसको हम यंग इन्वेस्टिगेटर प्रोग्राम बताते हैं और हम करीब 20-25 लोगों को लेते हैं उसमें बच्चों को और वो पूरा दिन हमारे साथ रहेंगे और जाके हम उनको एक्सपेरिमेंट करने देते हैं और सेफ्टी का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमेशा उनके साथ एक वैज्ञानिक रहेगा फिर वो एक महीने के बाद हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो रोज़ वो जाके कटिंग टेक्नोलॉजी जो है जिसको कि वो सपने में देखते होंगे <laughs> वो आके लैब में हैंडल करते हैं जी, जी।, जी। और रोज किसी न किसी वैज्ञानिक से वो एक घंटे डेढ़ घंटे चर्चा करेंगे अच्छा। जो भी सवाल है आप पूछो जी, जी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो छोटे बच्चे जो कैरियर चूज कर रहे हैं उनमें से अगर कुछ लोग साइंस में आएंगे तो उससे हमारे रिसर्च एनवायरमेंट को हमारे रिसर्च को फायदा होगा क्योंकि हमको अगर तरक्की करना है हमको अगर आत्मनिर्भर सचमुच बनना है तो हमको टेक्नोलॉजी अपने आप बनाना पड़ेगा हम कहीं से मिलेगा नहीं ये चीजें कोई हर कोई आपको बेचेगा आपको कुछ देगा नहीं देगा नहीं और वो कोई चीज ऐसे नहीं बेच देगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ तो फिर तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी इसलिए आपको अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही स्ट्रांग रखना है मेक इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो सी का उसमें क्या योगदान है मेक इंडिया में तो हम सबसे पहले हम क्या बनाते हैं हम बनाते हैं Uh, शुरुआत कर रहे हैं। नहीं, हमको बहुत खुशी है कि जो क्योंकि ये लोकल होता है क्योंकि हम बाहर से तो कोई बच्चे को हम हॉस्टल में या गेस्ट हाउस में नहीं रख सकते क्योंकि बहुत छोटे हैं तो उनको घर जाना रहता शाम को तो इसका मतलब वो लोकल ही हो सकता है कभी कभी ऐसा हुआ है कि गुजरात से या और कहीं से पेरेंट्स बच्चे को लेके आए हैं हाँ। और एक महीने यहाँ रुके हैं अपना होटल लेके और उसको अच्छा। रोज लेके आते हैं ऐसे ऐसे भी पेरेंट मतलब हाँ। बड़ी खुशी होती है कि अगर इस तरह के पेरेंट हैं जो हाँ। अपने बच्चों को रिसर्च के लिए इस तरह से उत्साहित करते हैं तो फ्यूचर में हमको साइंटिस्ट बहुत मिलेंगे जहाँ तक मेक इंडिया की बात होती है एक्चुअल में जिसको कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेक इंडिया मतलब कुछ मटीरियल बनाना ऐसी चीज जो सामने हो तो उसके बारे में भी हम दो तीन तरह के काम करते हैं एक तो ये है टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि इस्तेमाल होगी चीज़ों को बनाने में जैसे जब ये कोरोना का की बीमारी आई तो बहुत सारी जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं सारी इंपोर्ट होते थे तो ये हुआ कि लोकल किट बना सकते हैं लेकिन बनाएंगे वो ठीक है कि नहीं उसको कैसे पता कैसे चलेगा किया जाए तो सी सी एम बी को आई सी एम आर ने इंटरेस्ट किया इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि आप वैलिडेट करो कि ये काम कर रही है किट की नहीं क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी किट्स को टेस्ट किया उनको वैलिडेट किया अगर उसमें खामी है तो हमने उनको बताया कि ये चीज़ इसमें काम नहीं ये वाला एंजाइम ठीक नहीं कर रहा है आप फिर से करके लाओ इस तरह से कुछ दस बारह किट हमने वैलिडेट किया जो कि मार्केट में आ गई इसका मतलब हुआ कि हमको इम्पोर्ट से आ, निजात मिली निजात हम मिल। इसको अ, अब इंटरनली बना सकते हैं इसी तरह से ने, सरकार ने नए प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिससे हमको जो लोकल इंडस्ट्री है उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको ट्रेन करना है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाओगे उसकी क्वालिटी को टेस्ट कैसे करोगे और सी भी उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करके और ये सर्टिफिकेट देगी कि ये चीज़ जो है ये स्टैंडर्ड क्वालिटी आप इसको यूज़ करो हमको ये छः महीने का प्रोग्राम मिला है फंडिंग दी गई है इसलिए कि हम आ, इंडस्ट्री को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्टार्टअप हैं उनको जो डायग्नोस्टिक के जो प्रोडक्ट हैं या और भी जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उसमें क्वालिटी और उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करके उनको सर्टिफाई करें और उनको ट्रेन करें जहाँ पर उनको एक कमी है तो मेरा ख्याल है कि हमने इस बीमारी से बहुत तकलीफ उठाई है मतलब पूरे देश ने जी। लेकिन इससे हमको जो चीज़ें मिल रही हैं उससे आगे चल के हमको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है जैसे ये कि अभी आपने देखा कि सरकार बहुत जोर दे रही है आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो भी इम्पोर्ट आपको एक दिया खरीदना है वो भी चाइना से आ रहा है आपको थोड़ा खिलौना खरीदना है वो कहीं और से आ रहा है ये सारी चीजें आप बना सकते हैं खास करके आप अच्छा दिया और खिलौना छोड़ो लेकिन जो दवाइयाँ है, हैं जो इक्विपमेंट्स हैं जो रिसर्च के लिए मटेरियल है वो आप बनाओ ना अगर अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते करेंगे कोई किसी ने भी अपना स्विच ऑफ कर दिया आप होपलेस हो जाओगे तो ये इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे हर चीज के बारे में हमको आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है हम ये मतलब नहीं कि कोई चीज ना भेजें ना लें ऐसा नहीं है लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम जिस दिन चाहेंगे हम अपना मोबाइल बनाएंगे हम अपनी दवा बनाएंगे हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे ये सब करेंगे तो इन सब चीज़ों पे एक बहुत बड़ी इम्फेसिस आई है वो बहुत ज़रूरी है इससे ना सिर्फ दवाइयों पर फ़ायदा होगा डायग्नोस्टिक का होगा रिसर्च भी इससे आगे बढ़ेगी अभी हम जो रिसर्च करते हैं लैब में अस्सी से ज़्यादा चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं ऐसा क्यों है वो चीज़ें यहाँ पे भी बन सकती है लेकिन अब हम अचानक जागे हैं इस झटके से जी। और पूरे देश में ये भावना है कि हमको ये ताकत बनाना है कि हम ये चीज़ें बना के और खुद के लिए इस्तेमाल कर सकें तो इन सब चीज़ों में सो मेन चीज़ जो होती है वो कि बहुत सारी चीज़ें लोग बनाएंगे दवाई बनाएंगे या रि एजेंट्स उसकी क्वालिटी क्या है वो इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं वहाँ पे सी का रोल आता है हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं अगर उसमें खामी है तो हम उनके साथ मिलकर बैठते हैं कि इसके क्या किया जा सकता है कि इसको इसकी क्वालिटी बढ़ाई जाए और उसके बाद जब वो उस लेवल पे आ जाता है तो हम सर्टिफाई करते हैं कि है। हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि अब उसको हॉस्पिटल्स को या और लैब्स को और जगह पे दिया जा सकता है तो ये हमारा एक योगदान है मेक इन इंडिया में और हमने एक तीन चार साल पहले से स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब हुआ कि जो स्टार्टअप कंपनी होती है वो आके हमारे यहाँ एक साल दो साल हम उनको पूरी सुविधा देते हैं सारी फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराते हैं एक्सपर्ट एडवाइज़ उनको कराते हैं उनको फंडिंग की ज़रूरत है तो फंडर से कनेक्ट करते हैं फंडिंग एजेंसी से उनको सपोर्ट करवाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केट एनालिसिस करना है तो हम वो करवाते हैं जिससे कि जो यंग एंथजिया स्टार्टअप आया है वो एक तरह का फ्यूचर बिजनेस मैन इंडस्ट्रीज बन के निकले हमारे पास से भी भी। तो जब हम सरकार नौकरी पैदा करें और हम बैठ के सरकारी नौकरी का वेट करें तो इससे ये देश आगे नहीं जाएगा इतना बड़ा देश है हमको यहाँ पर इंटरप्रोर्स बनाना है हमको यहाँ पे सैकड़ों रिलायंस या टाटा बनाने होंगे तब जाके हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे और उसमें इस तरह की इंक्यूबेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज जो हमारे पास है देखिए जो साइंस जो होती है यहाँ पे वर्ल्ड स्टैंडर्ड है तो हम उसको इंडस्ट्री को क्यों नहीं उसको उससे अपलिफ्ट कर पाते हैं क्यों हमारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के बाहर भागते रहते हैं तो वो जो रिलेशनशिप है रिसर्च लैब और इंडस्ट्री के बीच में वो मेक इन इंडिया या हमको आत्मनिर्भर बनने में बहुत ही क्रूशियल होगी और उसके बारे में हम अभी से नहीं मैंने जैसे बताया कई सालों से कर रहे हैं हमारा एक कैंपस है जो डेडिकेटेड इस काम के लिए वहाँ पे हम बेसिक रिसर्च नहीं करने देते वहाँ अच्छा। पे सिर्फ इंक्यूबेशन होगा हाँ। सिर्फ ट्रांसलेशनल रिसर्च होगी अच्छा और हमको नीति आयोग से बहुत सहयोग मिला है उसमें एक अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का जी। उसमें सी एक फर्स्ट गवर्नमेंट लैब थी जिसको कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर का की ग्रांट मिली है वो दस करोड़ की ग्रांट होती है जो पाँच साल के लिए दी जाती है और उसके बाद उसका एक्सटेंशन होता है उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ उससे हमको एक रिकोगशन आई कि यहाँ पे इंक्यूबेशन होता है बहुत सारे कंपनीज आए उसके पहले भी सी एस आर की मदद से सी आर टी डी एच एक प्रोग्राम है वो सी एस आर का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डी एस आई आर है उससे आ, आ, फंड होता है जी। वो हमारे पास उसका एक्सपीरियंस था तो इस वजह से इन सब जो अप्लाइड एक्टिविटीज़ हैं इन सबको हम एक साइंटिफिक लेवल पे ले जाते हैं आ, 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 अपने जो आ, रिसर्च फैसिलिटीज हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं हम नेटवर्क बनाते हैं फंडर्स का इंडस्ट्रीज का हम उसको अप्रोच करते हैं कि आप लोगों को क्या टेक्नोलॉजी चाहिए आपको किस तरह के ट्रेनिंग चाहिए किस तरह का ट्रेंड मैन पावर चाहिए तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट इस माध्यम से हम पूरी कर पूरी कर, कर, पाए। कर पाए सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग और आपकी संस्था और संस्थान में काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो स्कूल की बात की थी आपने जो स्कूली बच्चों का तो उनको अपने करियर का चुनाव करने में भी बहुत मदद मिलती होगी इस कार्यक्रम के माध्यम से वक्त है छोटे से विराम का विराम के बाद पुनः आपसे मिलते हैं आदाब हैदराबाद में सर आप अपने आ, कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे होंगे तो उनमें से सबसे चैलेंजिंग आपके लिए या चुनौतीपूर्ण का, काल कौन सा रहा उसके बारे में कुछ बताइए देखिए सबसे चुनौतीपूर्ण आप अभी कुछ भी करो अपने लिए आप खुश हो या नहीं खुश हो पास हुए फेल हुए वो आप तक सीमित रहता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आपका डिसीजन सैकड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कभी कभी उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो सी सी एम भी जैसी लैब की डायरेक्टर की जो पोजीशन है निदेशक की जो पोजीशन है उसमें आप जो डिसीजन ले रहे हैं आ, उस इंस्टीट्यूशन के सारे लोगों पे उसका एक प्रभाव पड़ता है बिल्कुल तो वो चीज़ें जो हैं फिर आपको टेंशन में लाती हैं कि <laughs> वो इतना सिंपल नहीं आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा कि इससे आगे चल के क्या होगा सिर्फ हमारे तक लिमिट नहीं है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हम सब लोग शुरू में अपना अपना काम करते हैं एज ए वैज्ञानिक अपने स्टूडेंट के साथ बात करते हैं लेकिन जब आप अचानक इंस्टीट्यूट और किसी को करना पड़ेगा हमारा घर आके कोई और तो देखेगा नहीं हमको देखना पड़ेगा तो जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक तो ये कि जो भी आ, सुविधाएं हैं या जो भी असुविधा है जो भी कमी है इन सब के बावजूद आपको एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है जिससे कि आपका जो स्टाफ है जो साइंटिस्ट है वो मोटिवेटेड रहे पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज़ ये आपको गवर्नमेंट को भी फीडबैक देना है कि हमको क्या रिसर्च करनी चाहिए क्या होना चाहिए तो हम जो कर रहे हैं ये तो है इसके आगे क्या होना है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ हमसे एडवाइस मांगती हैं जी. तो अब अगर एडवाइस मांगती हैं तो उसके लिए हमको कितना पढ़ना पड़ेगा कितना डिस्कस करना पड़ेगा कितना ब्रेन स्टार्मिंग करके तब हम बताते हैं कि आ, 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 अब जैसे जी फूड बनाना है हुँ. या आ, एनिमल ब्रीड इंप्रूव करना है या राइस वैरायटी इंप्रूव करना है या किस तरह की नई मेडिसिन आएंगी इम्यूनोथेरेपी है आर्गोनाइट्स uh, का इस्तेमाल है स्टेम सेल थेरेपी ये सब चीज़ें uh, कहाँ तक जा रही हैं किस तरह से तो इन सब को बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है आपको पहली चीज़ तो पूरा पढ़ो पूरी जानकारी करो उसके बाद इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप उसको एनालाइज करके फिर उसके बाद बताओ कि ऐसा हो सकता कि... है चैलेंजिंग है लेकिन uh, अच्छा लगता है कि आपको चैलेंज uh, uh, जैसे बोलते हैं ना चैलेंज एक्सेप्टेड तो आप डिलीवर करो आपके पास टीम है आपको आ, जो भी हो सकता है वो आपके पास सुविधाएं हैं तो जी, आप डिलीवर करो तो हम वो कोशिश करते हैं जी सर कोरोना और कोविड नाइन्टीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो मैं बहुत शॉर्ट में पूछना चाहूँगी कि जो वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे हैं ये कब तक आम आदमी तक पहुँच पाएगा इसमें कुछ चीज़ हो जैसे आज तीन चार कैंडिडेट हैं जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो कि नाइन्टी परसेंट एफिकेसी नाइन्टी फाइव परसेंट एफिकेसी तो कुछ चीज़ें तो श्योर है कि बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं जो कि कम से कम नुकसानदायक नहीं हैं उनकी सेफ्टी चेक हुई है उनका रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी के अंदर इसीलिए वो बोलते हैं कि इसकी एफ़िकेसी है लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये प्रोटेक्शन जो हमको वैक्सीन से मिलेगा वो छः महीने का मिलेगा कि दो साल का मिलेगा कि चार साल का मिलेगा अगर हमको अच्छा। दो साल का प्रोटेक्शन मिलेगा ये हमको हाँ। पता चलेगा दो साल के बाद हम हाँ। किसी भी सूरत में टाइम को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं तो दो साल के पहले हम नहीं कह पाएंगे कि आपने वैक्सीन लगाया अब दो साल तक आप सेफ हो, हो सकता है छः महीने के बाद आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है अच्छा। तो ये बहुत ही आकवर्ड सिचुएसन है कि सरकार को इतना ज़्यादा पैसा ये सब लगाना चाहिए ऐसी चीज़ में जो कि छः महीने के बाद काम ना करे लेकिन अगर ना लगाएं तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सब चीज़ों पे कैसे आ, ये तो ये बहुत ही और जो नई वैक्सीन्स आ रही हैं उसमें कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि अभी तक का जो दो वैक्सीन जो जिसको हम बोलते हैं फ्रंट रनर्स हैं वो आर एन ए वैक्सीन है और जनरली प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं तो आर एन का मतलब ये बहुत अनस्टेबल होता है इसका मतलब आपको एक ऐसी कोल्ड चेंज चाहिए कि आप शून्य से सत्तर अस्सी डिग्री नीचे के टेम्परेचर पर आपको ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना पड़ेगा अच्छा हमारे पास ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास अगर सुविधा नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आ, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये असंभव सा है कि इतने बड़े देश में और वो भी एक बार नहीं ये वैक्सीन के कम से कम दो शॉट लगने हैं एक आज लगा तो एक बीस बाईस दिन के बाद इक्कीस दिन किसी में अट्ठाइस दिन के बाद लगेगा इसका मतलब आपको उसी आदमी के पास फिर से पहुंचना है तीन चार हफ्ते में तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है और आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि वैक्सीन है मान लीजिए कि वैक्सीन अच्छी है लेकिन आज तक दुनिया में किसी भी कंट्री में अडल्ट पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कभी नहीं हुआ है ऐसा नहीं होता है बच्चों को वैक्सीन दी जाती है एडल्ट को कहाँ वैक्सीन दी एडल्ट में सिर्फ टिटनेस की प्रेगनेंसी के टाइम में को भी कुछ देते हैं कुछ नहीं तो मतलब जो स्केल है इसका ये बहुत ही अलग तरह का है तो ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आ, हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे आ, ये जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा क्रिएट हो रहा है ये आगे चल के बहुत काम आएगा हेल्थ केयर के सिस्टम में जहाँ तक आ, ये पैंडेमिक का सवाल है इसमें मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन का रोल इतना ज़्यादा वैक्सीन का रोल हो सकता है वो आएगा आ, जो आपने टाइम के बारे में बात किया हम उसी संदर्भ में ये कह रहे हैं कि वैक्सीन शायद एक दो महीने में कुछ जगहों पे अप्रूव होगी उसके बाद अगले छः महीनों में कुछ देशों में मिलेगी हो सकता है इंडिया में भी कुछ आ, दस लाख बीस लाख या कुछ ऐसे डोज आए इसके जी। लेकिन जो हमारी आम आदमी है जो 140 करोड़ जो लोग यहाँ पे उनको दो डोज वैक्सीन इस हाँ। तरह के पहुँचने में सालों लगेगा साल। वो ये तो आम आदमी के लिए अभी वैक्सीन का ऑप्शन लॉजिस्टिकली uh, और वो वैक्सीन है इस काबिल कि हम उसको इतना मेहनत करके ये सब करें वो दोनों चीज़ें लाएंगे तो एक कंबाइंड uh, एफर्ट होगा थोड़े ड्रग आएंगे थोड़ी इम्यूनोथेरेपी आएगी कुछ लोग वैक्सीन से बचेंगे कुछ नेचुरल इन्फेक्शन से हर्ड इम्यूनिटी आएगी इस तरह से मेरे ख्याल से ये पेंडेमिक के अभी uh, तकलीफ़ वाले दिन थोड़े दिन रहेंगे लेकिन uh, इससे हमको uh, ज़्यादा घबराने या ये डिजास्टर हो मैं जाएगा उसी है पर है। आ रही थी कि हाँ। हमें कोरोना से कितना डरना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए इससे बचने के लिए या इस समय हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? पहली चीज तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि अब हम समझ गए हैं डर जो है ना जब हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो हमको डर लगता है जब हम उसको जानकारी है तो हमको डर नहीं लगेगा आपको जब जानकारी है कि ये बिच्छू है तो कोई बात नहीं तब तो आप उससे बच जाओगे जी। नहीं जानकारी तो आप कुछ भी कर सकते हैं आपके सामने आग जल रही है आपको अगर पता है कि उसको क्या करने से नुकसान होगा क्या करने से खाना बनेगा तो आप उसको इस्तेमाल करोगे उस इस तरह जी। से इसीलिए कोरोना के बारे में कोविड नाइन्टीन के बारे में पिछले आठ दस महीने में जितनी जानकारी आई ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ी देन है कि हमने इतनी जल्दी इतना कुछ एनालाइज कर लिया इतना कुछ समझ लिया इसके बारे में जी। तो चूंकि अब हमको इसके बारे में पता चला है कैसे फैलता है तो आप फैलने से रोको आ, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन अगर ये तीन चीज़ें ज़्यादातर लोग करते हैं तो वायरस जो है उसकी प्रोग्रेस जो स्लो होगी दूसरी चीज़ जो होती है एक डिसिप्लिन में रहें ये हो सकता है कि हम आ, हमने टेस्ट कराया हम नेगेटिव हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम स्वच्छंद हो गए अब हम जो चाहें करें आप आज नेगेटिव हो ये हो सकता है कि आपको टाइटर बहुत कम है तो इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ आप कल इन्फेक्शन हो सकता है या टेस्ट गलत हो गया होगा कोई भी टेस्ट 100 परसेंट नहीं है 70 80 परसेंट एकूरेसी है जितने भी टेस्ट हैं इसका मतलब हमेशा हमको इस लिमिट में रहना है कि हमको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है और हम किसी को कभी भी इन्फेक्ट कर सकते हैं तो ये जब जानकारी है तो आप उस तरह से व्यवहार करो एक नए तरह का की, की लाइफ स्टाइल बनाए हम जैसे जूता पहनते हैं शर्ट पहनते हैं चश्मा लगाते हैं बहुत सारी चीजें हैं मास्क भी थोड़ा <laughs> डिस्टेंस में रहिए तो दूसरों को बचाइए क्योंकि हो सकता है कि हमारे अंदर कोई जिसको बोलते हैं मार्विडिटी वैसा फीचर ना हो लेकिन हमारे रिलेटिव को हो सकता है हमारे जो फ्रेंड है उनके घर जाए तो ऐसा हो सकता है तो इसलिए हमको एक दूसरे की मदद करना है और वो मदद यही है कि हम डिसिप्लिन में रहें इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि इसमें जो आम आदमी का बहुत बड़ा रोल है सरकार कितने भी रूल बनाती रहे कुछ स्लोगन बनाती रहे और पोस्टर लगाती रहे लेकिन काम तो लोगों को कर रहे हैं आप जब अनजान जगह पे जाएं तो अगर ज़रूरी है तभी जाएं भीड़ ना करें बंद कमरों में ज़्यादा लोग एक साथ ना रहें तो ये सब अगर हम प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे इसकी दवाइयाँ भी आएंगी तो उससे जो लोग किसी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनको मदद मिलेगी अभी शुरू में वेंटिलेटर्स नहीं थे आईसीयू बेड्स की कमी थी अभी देश ने काफ़ी काम किया उसमें सारे अस्पताल जो हैं उनके अंदर एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी है अभी तो सी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है कि एक हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल बना सकते हैं हम अच्छा तो अगर ऐसी अच्छी बात है तो इसका मतलब हुआ कि हम आ, ऐसी कठिन परिस्थितियों को और अच्छी तरह से हाँ, इसमें ऑलरेडी तो इससे जो है कॉन्फिडेंस भी आता है लोगों के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं है हाँ हमको एक तरीके से रहना है जैसे जाड़े का मौसम आता है तो हम स्वेटर पहन के बाहर निकलो नहीं तो शुरू में तो आपको लगेगा ठीक है बाहर जाके आप फंस जाओगे फिर सर्दी में परेशान होगे इसी तरह से अभी आप ठीक हो लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखो मास्क का और इन सब का हाथ धोने का और थोड़ा सफाई साफ़ सफाई का तो इससे हम आगे निकल जाएंगे और धीरे धीरे दो चार साल में काफ़ी लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ, आ जाएगी तो, तो सिचुएशन कंट्रोल में हो जी जी सर जब बात आया कि इम्यूनिटी डेवलपमेंट का और किस तरह से ये डेवलप होती है सर मैं ये जानना चाहूँगी कि एक बार जब एक आदमी को कोरोना ग्रसित वो हो जाता है तो क्या दोबारा भी उसको होने के चांसेस होते हैं या उससे और लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च का विषय है और कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं कि जो जो बॉडी में इम्यूनिटी जो होती है वो दो तीन तरह से होती है एक तो ये कि जिसको हम बोलते हैं इेट इम्यूनिटी कोई अगर फॉरेन चीज़ आई तो हमारे जो ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं उसको पकड़ के ख़त्म कर देते हैं कुछ जो चीज़ होती है वो एंटीबॉडी के थ्रू होती है कुछ जो होती है उसको हम टी सेल बोलते हैं उसे होती है तो कई तरह के डिफेंस सिस्टम बॉडी में होते हैं ये देखने में आया कि कुछ चीज़ें दो महीने में ख़त्म हो रही हैं इसका मतलब हुआ कि फिर से इन्फेक्ट हो जाएगा आदमी क्या इस तरह का डर होता है लेकिन आ, मेरा जहाँ तक मानना इसमें कि आज आ, दुनिया में कितने मिलियंस लोग इन्फेक्ट हुए हैं और ठीक हुए हैं वो भी है। लेकिन री इन्फेक्शन के चांस री इन्फेक्शन के केसेस जो हैं बहुत कम है कुछ दस बारह हैं मतलब नेगेलिजिबुल आप समझ लो ओके। तो एक दो री इन्फेक्शन के केस हमारे पास है पता चला दूसरा इन्फेक्शन कोविड नहीं था उनको सर्दी जुकाम कुछ वैसा था तो इसका मतलब ये डेटा ये बताता है जो अब तक ऑब्जर्वेशन है कि री इन्फेक्शन उतना आसान है बहुत ही रेयर है इस वायरस में ये वायरस कई तरह से बहुत फ्रेंडली है एक तो ये कि ज़्यादातर लोगों को सिम्टम नहीं आएगा तो आप निकल जाओगे आसानी से दूसरी चीज होती है कि ये चेंज नहीं हो रहा इतनी तेज़ी से अभी सारे तो हम वायरस का जीनोम फॉलो करते हैं हम ये देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक ही तरह का वायरस है थोड़े बहुत उसमें चेंजेड होते हैं लेकिन ब्रॉडली जो दवा अमेरिका में बनेगी वो यहाँ भी काम आएगी और जो यहाँ बनेगी वो यूरोप में काम आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस इतना ज़्यादा छलावा नहीं कर रहा है अभी जो है वो उतना बदल नहीं रहा है उतना उतना नहीं बदल रहा है इसकी जो म्यूटेशन रेट हमने कैलकुलेट किया है वो नॉर्मल या उससे थोड़ा कम ही है तो इसका मतलब हुआ कि हम एक बार समझ गए इस वायरस के बारे में और इतने ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कर मतलब को बहुत सावधानी अच्छी बात है सर कि हम लोग कंट्रोल कर पाए और कर सकें आप हमारे साथ सर यहाँ स्टूडियो में आए Uh, बहुत अच्छा लगा आप बहुत व्यस्त रहते हैं और इस समय तो आपके यहाँ काफ़ी सारा काम हो रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी सारा रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है आपने उसमें से समय निकाला और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में परिचर्चा में आपने भाग लिया और काफ़ी सारी जानकारी दी जो कि मेरे साथ साथ हमारे सारे दर्शकों के लिए भी कारगर होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं जी हाँ आज के हमारे महोदय थे वो डॉक्टर राकेश मिश्रा जी वो भी इतिहास बनाने वालों में से थे और ऐसे अगर लोग हमारे देश में आगे हैं और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं तो निश्चय ही आत्मनिर्भर भारत हमें बनने से कोई नहीं रोक सकता नमस्कार